जय हिंद साथियों, एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रदीप यूट्यूब पर। साथियों, यदि आप अपनी मातृभाषा जानते हैं अच्छी तरह से, अपनी मातृभाषा यदि आप बोलते हैं, तो आप कोई भी लैंग्वेज बहुत ही आसान तरीकों से सीख सकते हैं, जिससे अपनी मातृभाषा प्यारी है वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं, हमारी मातृभाषा ये है। सहायक भाषा है हिंदी है हमारी, इंग्लिश हमारी सहायक भाषा है, भोजपुरी जहाँ पर हम लोग रहते हैं ये हम लोगों का मातृभाषा के तौर पर आ जाता है। चूँकि हम जिस समय जन्म लेते हैं उसके बाद से यदि हम सुनते हैं तो अपने लोकल एरिया का जो लैंग्वेज होता है वही सुनते हैं। कोई भोजपुरी सुन रहा है, कोई मराठी सुन रहा है, कोई तेलुगु सुन रहा है, इस तरह से अपनी ये लोकल लैंग्वेज अर्थात मातृभाषा वो सुनते हैं अपनी। इसको सुनने के बाद उसे बोलना सुनना उनकी एक हैबिट से हो गई है, जिससे वह इसे एकदम आसान तौर तरीकों से बोल लेते हैं और सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, कह लेते हैं कुछ भी। सेम चीज़ें है इंग्लिश की। इंग्लिश कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, इंग्लिश सीखना काफ़ी जो है सरल है इंग्लिश को सीखना। इफ़ यू हैव स्पीक आवर मदर टंग देन यू हैव लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड यू मैक ए इंग्लिश मैन। इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। हम अपनी मातृभाषा हिंदी पढ़े हैं, बोले हैं, लिखे हैं। वी आर डिस्कस इन हिंदी लैंग्वेज, राइट स्पीक एंड ETC। इसमें जो है जिस तरह से हिंदी को हम लोगों ने असंज्ञा तक पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, अ से ज्ञा तक पढ़ा है, इसी तरह से हमें ए से जेड तक जड़ तक भी पढ़ना है। ये सब चीज़ें तो आप बहुत ही पहले जान चुके हैं, लेकिन एक बार हम आपको इट्स रिमेम्बर एंड योर फ्रेश मेमोरीज एंड योर रिवाइज मेमोरी। जिस तरह से अह तक ये स्वर है, इसी तरह से ए से जेड तक में जो है जेड तक में पांच स्वर हैं, वॉवेल, जिसे वॉवेल बोला जाता है। इसमें वॉवेल क्या क्या है, ए हो गया, ई हो गया और आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये वावेल है। हम चाहें तो कोई भी चीज़ जो है क से ज्ञात के बीच में भी सीख सकते थे, बोल सकते थे क से ज्ञात के बीच में भी, लेकिन यह आधा अधूरा चीज़ हो जाता था। उसी तरह से हम इन सभी चीज़ों को बिना प्रयोग किए भी सीख सकते थे ना इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश आधी अधूरी हो जाती थी। जिस तरह से पानी बिन मछली जिंदा नहीं हो सकती, उसी तरह से स्वर अर्थात वावेल के बगैर कोई शब्द पूरा नहीं हो सकता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका रोल क्या क्या है इस वीडियो में आपको बताते हैं।
यदि आप अपनी मातृभाषा को सीख चुके हैं हिंदी, तो इंग्लिश आपके लिए काफ़ी सरल है। यदि आपको हिंदी पढ़ने लिखने बोलने नहीं आ रही है, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। अंग्रेज भी, ये उनका मातृभाषा है इंग्लिश। इंग्लिश जो है अंग्रेजों का मातृभाषा है, मातृभाषा थी, अभी भी वो सब बोलते हैं। उनका बच्चा जिसे जन्म लिया तभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। और हमारे के यहाँ जो बच्चे जन्म लिए तो इन्होंने भी हिंदी बोलना शुरू कर दिया, ये भी हिंदी बोलना शुरू कर दिया और ये इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। ये हिंदी और इंग्लिश, तो इनकी मात्रा टंग लैंग्वेज इंग्लिश हो गई और इनकी मात्र टंग लैंग्वेज हिंदी हो गई। तो जो जो भी लोग अपनी मातृ लैंग्वेज को जानते हैं, उनके लिए यदि इंग्लिश मायने है तो उनके लिए हिंदी आसान हो जाएगा सीखना बोलना। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी बोल लेते हैं इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं है भाई साहब। जिस तरह से अंग्रेज इंग्लिश तो बोल लेते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं सही से, इसी तरह हम लोगों का भी है, इसी तरह उन लोगों का भी है। कुछ टर्म और कंडीशन, वो भी लोग यदि अपनी मातृभाषा इंग्लिश को नहीं सीखे हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी को नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से व्यंजन जो होता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिस